अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को मंजूरी दे दी है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने को कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस पर बुधवार को सुनवाई होगी। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राज्य में संवैधानिक संकट के चलते कैबिनेट को फैसला लेना पड़ा। राज्य के पूर्व सीएम नबाम टुकी ने राष्ट्रपति शासन लगाने की कैबिनेट की सिफारिश को असंवैधानिक बताया है। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सत्र 21 जुलाई को समाप्त हुआ था और 6 महीने के भीतर यानी 21 जनवरी तक दोबारा सत्र नहीं हुआ है, जिसके चलते संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। हम तो मिला था, हम लोग जाके मिल के आया था, बताया था, फिर भी यूनियन कैबिनेट ने प्रेशर डाला। यहाँ तो कानून का जो लिखा है, संविधान में जो लिखा है, वो हमारा प्रेसिडेंट ने माना होगा। केंद्र सरकार की राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक संवैधानिक प्रक्रिया बताया। उन्होंने कहा है कि संवैधानिक संकट के चलते ये फैसला लिया गया है। ये जो कैबिनेट रिकमेंडेशंस का जहाँ तक सवाल आता है, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का जो असेंबली है वो 6 महीने से ज़्यादा अपना सेशन हुआ नहीं। शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं की पूजा पर उठे विवाद पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कड़ा रुख अपना है। फडणवीस ने अहमदनगर के डीएम और एसपी को विरोध कर रही महिलाओं और मंदिर ट्रस्ट के बीच वार्ता कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि धार्मिक स्थलों पर भेदभाव हमारी परंपरा नहीं है, इसलिए विवाद को सुलझाने की पहल की जाए। इससे पहले पुलिस ने सूपा से गिरफ्तार 300 महिलाओं को रिहा कर दिया। दरअसल शनि मंदिर में पूजा के लिए जा रही भूमाता ब्रिगेड की महिलाओं को पुलिस ने शिंगणापुर के पास सूपा में रोक लिया था। सूपा शिंगणापुर से 70 किलोमीटर पहले है। ये महिलाएं शिंगणापुर के शनि मंदिर के मुख्य चबूतरे पर पूजा अर्चना के लिए जा रही थी। भूमाता ब्रिगेड का कहना है कि वो शनि मंदिर में पूजा करने की फिर से कोशिश करेंगी। इसके साथ ही ब्रिगेड की सदस्यों का कहना है कि उन्हें पूजा नहीं करने देने का कारण बताया जाए। हमें कारण बताएं, मैंने आप विजुअल देखे, मैंने हाथ जोड़ के कहा हमें कारण बताइए, हम दर्शन क्यों नहीं ले सकते, हम चले जाएंगे, मेरा वादा, हम चले जाएंगे, हमें उचित कारण बताइए कि हम दर्शन क्यों नहीं ले सकते। ये ईगो की लड़ाई क्यों हो रही है? ये हम करेंगे, हम यही बैठेंगे, यही जिएंगे, यही मरेंगे, दर्शन किए बिना नहीं जाएंगे, यही जिएंगे, यही मरेंगे, क्योंकि हम कानून हाथ में नहीं ले रहे हैं। हमने हाथ जोड़ा, हमें एक जने, कोई एक जने, पूरे गांव करी, पूरी पुलिस एक कारण बता दे कि हम दर्शन महिलाएं क्यों नहीं कर सकती शनि मंदिर के, एक कारण बताइए, मैं लौट जाऊंगी सबको लेकर के। ये बिना नहीं जाएंगे, हम दर्शन किए बिना नहीं जाएंगे। बहुत बहुत गलत तरीके से कारण बताना चाहिए, यहाँ पे पकड़ा हुआ है, हमें महिलाओं के लिए ब्लैक डे है। देश में इंटॉलरेंस के मुद्दे पर विरोधियों को बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने आज कड़ा जवाब दिया। आडवाणी ने कहा है कि देश में बोलने की आजादी पर कोई रोक नहीं है। आडवाणी ने कहा है कि ऐसा कौन कहता है वो नहीं जानते, लेकिन देश में बोलने की आजादी पर कभी भी रोक नहीं लग पाई, चाहे अंग्रेजों का दौर हो या फिर आपातकाल का समय। भारत देश में बोलने की आजादी नहीं है, ये कौन कहता है मैं नहीं जानता हूँ। मैं तो कम से कम अंग्रेज के समय में भी हमने कभी बोलने की आज़ादी को रुकने नहीं दिया, और किसी ने अगर उसको रोकने की कोशिश की तो चाहे एक समय आया जब हमारी अपनी सरकार ने भी स्वतंत्रता होने के बाद भी और उस पर पाबंदी लगाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ जितना संघर्ष करना था किया, और आज तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता इस बात।
देश ने आज 67वां गणतंत्र दिवस मनाया। दिल्ली के राजपथ पर देश की सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद चीफ गेस्ट के तौर पर इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए। राजपथ पर पीएम मोदी ने फ्रांसवा ओलांद का स्वागत किया। ओलांद ने इस मौके पर तीनों सेना के प्रमुखों से मुलाकात भी की। ओलांद फ्रांस के पांचवें राष्ट्र प्रमुख हैं जो गणतंत्र दिवस के समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए हैं। गणतंत्र दिवस परेड में पहले शहीदों को नमन किया गया। पीएम मोदी ने अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा तीनों सेनाओं के अध्यक्षों ने भी जांबाजों को नमन किया। गणतंत्र दिवस पर लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। मोहन नाथ गोस्वामी ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ लड़ते हुए शहादत दी थी। 2 सितंबर 2015 को कुपवाड़ा के हफरूदा जंगल में आतंकियों के साथ भीषण मुठभेड़ के दौरान इन्होंने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया था, जबकि 2 को मारने में मदद की। गोली लगने के बावजूद मोहन नाथ गोस्वामी ने अपने 3 घायल साथियों को बचाने में मदद की। शहादत से पहले के 10 दिनों में मोहन नाथ गोस्वामी ने 2 आतंकियों के खिलाफ बड़े अभियानों में हिस्सा भी लिया। इन दोनों अभियानों में 10 आतंकियों को ढेर कर दिया गया था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में एट होम का आयोजन किया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ साथ कई बड़ी हस्तियों ने भी एट होम कार्यक्रम में ये शामिल हुए। आपको बता दें कि राजपथ पर समारोह के बाद राष्ट्रपति भवन में एट होम सेरेमनी होती है, जिसमें राष्ट्रपति देश की बड़ी हस्तियों और खास मेहमानों को बुलाते हैं। गणतंत्र दिवस की परेड में भारत ने अपनी अद्भुत सैन्य क्षमता का एहसास पूरी दुनिया को कराया। दुनिया भर में अपनी प्रहार क्षमता के लिए चर्चित T-90 भीष्म टैंकों का दस्ता जैसे ही राजपथ से गुजरा, धरती हिलने लगी। 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलने में सक्षम इस T-90 भीष्म टैंक में परमाणु, जैविक और रासायनिक हमले से बचने के उपकरण लगे हुए हैं। एयरफोर्स की झांकी ने भी लोगों का मन मोह लिया। पूरी परेड में राजपथ पर सेना के जवानों का शौर्य दिखा तो मार्च परेड के आखिर में आसमान में गजब का नजारा देखने को मिला। सुखोई 30 विमानों ने 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरी और आसमान में करतब दिखाए। आसमान में सुखोई 30 का करतब देखने लायक था। फ्लैंकर के प्रदर्शन के साथ राजपथ पर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का समापन हुआ। राजपथ पर आज इतिहास रचा गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि गणतंत्र दिवस समारोह में किसी दूसरे देश की सेना ने हिस्सा लिया। 67वां गणतंत्र दिवस के मौके पर फ्रेंच आर्मी के 130 जवान अपने बैंड के साथ मार्च करते हुए दिखाई दिए। इस टुकड़ी का संदेश था, सब हट्टे कट्टे, कोई मरियल नहीं। परेड में 26 साल के बाद सेना के श्वान यानी डॉग्स दस्ते के सदस्यों ने अपने हैंडलर्स के साथ भाग लिया। ऐसा पहली बार हुआ है। गणतंत्र दिवस परेड की शोभा रही। ऊंट झांकी को देखकर भी लोग बेहद खुश हुए। 90 सदस्यों वाली बीएसएफ की ऊंट टुकड़ी और बैंड को इस बार गणतंत्र दिवस परेड के रिहर्सल में शामिल नहीं किया गया था। बाद में इसके लिए हरी झंडी दिखा दी गई। सड़सठवें गणतंत्र दिवस के मौके पर जहां दुनिया ने हिंदुस्तान की ताकत देखी, वहीं सूरज ढलते ही पूरा राजपथ रोशनी से सराबोर हो गया। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक रोशनी में नहाया हुआ नजर आया। दरअसल इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन को दिलकश लाइट्स के साथ सजाया गया था। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ा, पूरा राजपथ लाइट से जगमग हो गया। राष्ट्रपति भवन को भी सजाया गया तो वहीं इंडिया गेट पर लाइट के जरिए तिरंगा बनाया गया था। नजारा बेहद शानदार है। गणतंत्र दिवस पर बीएसएफ के जवानों ने वाघा बॉर्डर पर देश की ताकत की नुमाइश की। वाघा बॉर्डर पर रोज बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है, लेकिन गणतंत्र दिवस के दिन का समारोह देखते ही बन रहा था। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में पाकिस्तानी रेंजर्स के जवानों के सामने बीएसएफ के जवानों ने पूरे जोश के साथ देश के दम का प्रदर्शन किया। गणतंत्र दिवस के मौके पर बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स ने एक दूसरे को मिठाई भी दी। 15 अगस्त के मौके पर भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे को मिठाई नहीं दी थी।
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया। आतंकी के कब्जे से एक AK-47 राइफल बरामद हुई है। आतंकी की पहचान नहीं हो पाई है। ये मुठभेड़ आज सुबह 4 बजे शुरू हुई। सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस की साझा टीम मुठभेड़ में शामिल हुई। 26 जनवरी पर आतंकी हमले की आशंका के कारण सुरक्षा पहले ही कड़ी कर दी गई थी। चार संदिग्धों के दिखाई दिए जाने की खबर ने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। भुवनेश्वर में 4 संदिग्धों के देखे जाने के बाद पूरे ओडिशा को हाई अलर्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि जिस होटल में ये लोग रुकने गए थे वहां इन्होंने खुद को इराकी नागरिक बताया, लेकिन इनकी पहचान से जुड़े दस्तावेज जब मांगे गए तो ये लोग वहां से चले गए। पुलिस को अंदेशा है कि ये संदिग्ध आतंकी हो सकते हैं। पुलिस के मुताबिक इन चारों की लंबाई करीब 6 फीट 5 इंच के आसपास है और ये लोग हिंदी और इंग्लिश जानते हैं। जिस कार से ये लोग होटल पहुंचे थे उस कार का रजिस्ट्रेशन दिल्ली का था, DL4C9645। यही उस कार का नंबर है, लेकिन पुलिस की जांच में नंबर फेक निकला है। पुलिस के मुताबिक इन चार लोगों में से 3 संदिग्ध कार पार्किंग में ही खड़े रहे, जबकि एक शख्स होटल के रिसेप्शन पर पहुंचा। पुलिस को उस संदिग्ध की सीसीटीवी फुटेज मिल गई है, जिसके आधार पर अब तलाश की जा रही है। वहीं देहरादून में भी पुलिस ने 7 संदिग्धों की फोटो जारी की है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ये संदिग्ध किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में है। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के बाद देहरादून में अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई संदिग्धों की फोटो जारी कर दी है। पुलिस ने आम लोगों को सावधान करते हुए अपील की है कि अगर ये संदिग्ध कहीं भी दिखें तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए। किसी भी गड़बड़ी से निपटने के लिए देहरादून में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। इसके अलावा भीड़भाड़ वाले इलाके, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर खास चौकसी बढ़ती जा रही है। राजस्थान के बाड़मेर में एक फाइटर प्लेन से गलती से 5 बम गिर गए। ये बम गिरते ही फट गए और धमाके की आवाज 10 किलोमीटर के दायरे में सुनी गई। गनीमत यह रही कि धमाकों की वजह से कोई हताहत नहीं हुआ। पचपदरा थाना इलाके के गुगड़ी गांव के पास ये धमाके हुए। मौके से पुलिस को नुकीली चीजें मिली हैं। फिलहाल इलाके को सील कर दिया गया है। पुलिस ने मामले की जानकारी एयरफोर्स को दे दी है। गणतंत्र दिवस के मौके पर SP अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ में पार्टी दफ्तर में तिरंगा फहराया। इस मौके पर मुलायम ने कहा है कि कांग्रेस ने 60 साल तक संविधान में मनचाहे संशोधन किए हैं, लेकिन अब संविधान में संशोधन नहीं होना चाहिए और PM मोदी ने उनसे इसका वादा किया है। साथ ही मुलायम ने कहा है कि जिस जिला कमेटी में महिला नहीं होंगी उसे भंग कर दिया जाएगा। ये बात घोषित करें कि संविधान में कभी संशोधन नहीं होगा। प्रधानमंत्री आए और उन्होंने कहा कि मैं तो संविधान को देश की आत्मा मानता हूं, मैं संशोधन नहीं करूंगा। वरना तैयारी की कोई तो संशोधन। नेशनल तैराक सायरा सिरोही सुसाइड मामले में नया मोड़ सामने आया है। सुसाइड की वजह पढ़ाई का प्रेशर बताया जा रहा है। स्कूल में एक टीचर ने सायरा को एग्जाम में फेल हो जाने पर स्कूल से निकालने की धमकी दी थी। इस बात का जिक्र सायरा ने कुछ दिन पहले अपने पिता से भी किया था, लेकिन पिता ने उसे समझाया था कि अगर स्कूल प्रशासन उसे निकाल देगा तो वो उसका किसी और स्कूल में एडमिशन करा देंगे। बावजूद इसके सायरा बीते कई दिनों से परेशान चल रही थी। सायरा के पिता ने इस बात का भी खुलासा किया है कि सायरा के खिलाफ स्कूल का रवैया पिछले कई दिनों से ठीक नहीं था। गाजियाबाद के कौशाम्बी में चुनावी रंजिश में फायरिंग हुई है। प्रधान चुनाव में जीते और हारे उम्मीदवारों के बीच जोरदार झड़प हो गई। देखते ही देखते गांव जंग का मैदान बन गया। प्रधान चुनाव में जीत हार को लेकर जबरदस्त झड़प हुई। झड़प में 3 लोग घायल हो गए, जबकि पुलिस ने 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। सरकार बजट में छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। छोटे बिजनेसमैन के लिए सर्विस टैक्स छूट की सीमा मौजूदा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर सकती है। यानी 25 लाख रुपए तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों को सर्विस टैक्स के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। इसके जरिए सरकार GST के लिए राह भी आसान करना चाहती है। वित्त मंत्रालय ने पब्लिक सेक्टर बैंकों को अपना बिजनेस प्लान पेश करने को कहा, ताकि उनकी वित्तीय जरूरतों को समझा जा सके। कुछ बैंकों ने अपने बिजनेस प्लान का प्रेजेंटेशन वित्त मंत्रालय को दिया है, जबकि बाकी को पेश करने के लिए बुलाया गया है। सरकार ने NPA से जूझ रहे पब्लिक सेक्टर बैंकों को संकट से उबारने के लिए इंद्रधनुष योजना बनाई है। इंद्रधनुष योजना के तहत अगले 4 साल में 70,000 करोड़ देने की योजना है।
मुंबई मेट्रो की मुख्य पार्टनर रिलायंस इंफ्रा किराए के मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। रिलायंस इंफ्रा ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है कि उसे किराया बढ़ाने की छूट दी जाए। पिछले महीने बॉम्बे हाई कोर्ट ने किराया बढ़ाने पर स्टे लगा दिया था। मुंबई में वर्सोवा से घाटकोपर के बीच मेट्रो रेल की सेवा है, जिसे रिलायंस इंफ्रा की सहयोगी कंपनी मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड चलाती है। रिलायंस इंफ्रा का दावा है कि लागत बढ़ने की वजह से किराए में इजाफा जरूरी है, जबकि राज्य सरकार की एजेंसी और प्रोजेक्ट की पार्टनर एमएमआरडीए की दलील है कि एग्रीमेंट की शर्तों के मुताबिक ही किराया कायम रहेगा। मामले की बॉम्बे हाई कोर्ट में 29 जनवरी को अब सुनवाई होनी है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी सेज की तर्ज पर महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में कोस्टल इकोनॉमिक जोन बनेंगे। राज्य सरकार ने अपनी पोर्ट पॉलिसी में इसका ऐलान किया है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट कर बताया है कि पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनी आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाएगी। इस रिफाइनरी की क्षमता 6 करोड़ टन होगी। 1.5 लाख करोड़ में बनने वाली ये रिफाइनरी महाराष्ट्र में लगाई जाएगी। एक अप्रैल से सभी केंद्रीय मंत्रालयों पब्लिक सेक्टर यूनिट को 2 लाख से ज्यादा की खरीद के लिए ई टेंडर जारी करना जरूरी होगा। सरकारी खरीद में धांधली रोकने के लिए सरकार ये कदम उठाने जा रही है। फिलहाल 5 लाख या इससे ज्यादा की खरीद के लिए ई टेंडर जरूरी है। रिपब्लिक डे के मौके पर लो कॉस्ट एयरलाइंस गो एयर ने भी सस्ते फेयर की स्कीम लॉन्च कर दी। गो एयर के किराए में 601 रुपए से इसका किराया शुरू हो रहा है। 31 मार्च की यात्रा के लिए 31 जनवरी तक टिकट की बुकिंग कराई जा सकती है। इसके पहले कल स्पाइस जेट ने भी सस्ते किराए की स्कीम लॉन्च की थी।